बहुत ही सितारे हो, डॉक्टर सिविया जी, मैडम सिविया, डॉक्टर वालिया जी, जिन्होंने के सारा ये प्रोग्राम इनिशिएटिव लिया ते लिखिया, ते प्रोफेसर रजिंदर सिंह जी जिन्होंने मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब नूं ज्यादा लैक्चर दे गई है ते बाकी साडे जिहड़े सतवाल दे मैंबर ने और मैं देख रहा भी साडे मैंबरों तों इलावा भी सज्जन आए ने जिन्हां ने कि अज इत्थे इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त किया। अज तो हद तक पहला मैं ते कटकर साहब आए थे डॉक्टर साहब मिलने वास्ते, अज के प्रोग्राम की सारी डिस्कशन करने वास्ते किस तरह अरेंजमेंट करना कितने की करना। सो मैं तो एक्चुअली उस दिन बड़ा इंप्रेस होया थी क्योंकि मैं भी एंजियोग्राफी 2007 से कराई थी बीएमसी चो और मैं हम सोच रहा भी यार कई दफा कल मैं सामने इतने वो चौबे जी बैठे रहे मगर मैरिज भी अटेंड की मैं तो रात रोकनी मीटिंग भी अटेंड की बैठे रोटीरियल साढ़े और मैं यार देखी जाऊ डॉक्टर साहब को जावे फिर कि छबी क्यों होंगे। तो मेरा ख्याल यह है कि जब तक मैं समझिया उस गलबात कई क्वेश्चन क्वारियां भी की और अज भी सुने कि मेरा ख्याल अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट है इस कोई प्रॉब्लम बारे जी हार की साड़ी जल्दी बना रही है उन्होंने जरूरी कोई ना कोई टेस्ट करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब लगूंगा ना कोई टाइम अगले हफ्ते क्योंकि सोमवार तो लगे दो दिन साड़ी मीटिंग ने तो मैं इस करके इन्ना धन्यवाद करदा डॉक्टर सीबीए का कि आम असी बाहरों डॉक्टर बुलाने या होर भी किसी किस्म का लैक्चर कराने सामने तो वो वास्ते कोई वैल्यू नहीं मिलता जो मिलता तो सू पैसे देने पे जिमें साढ़े बैठे ने सेठ साहब करते हैं हरियाज मंदिर च जदानों ने पैसे देने पे तो असी इतने बगैर किसी एक ढेला देने तो भी एडा बड़ा अभी फंक्शन किया जिसे मेरा ख्याल अपना मेरा पर्सनल व्यू है कि बहुत ज्यादा सू इस गल का बेनीफिट है और अभी लै सकेंगे। मैं साजिंदर सिंह का धनवाद करना कि मैं सुने से पर नागवाल से तुम आए मैं पहला भी सुने अच्छा नागवाल अच्छा तो दूसरा यह है कि थोड़ा जा साडे सैकटरी साहब बीमार हो गए हैं शायद नहीं चिट्ठिया मिली इस महीने जो दो प्रोग्राम से असं 15 कर रहे हैं अभी दूजा 22 जिमें कि 2 साल पहला असं करते रहे कि जोड़ा महाराजा दलीप सिंह मेमोरियल बनया साढ़े रायकोट बसिया उसे अभी जाते रहे हैं बसंत मौके अभी थोड़े लेट हो गए पर असं 22 का प्रोग्राम बनाया। तो मैं मैंबरों को बेनती करता हाँ कि जेडे भी चाहवान हो लेकिन मैं तो यही कहवा चाहवान ही जरूर जाओ वो देखने ही जगह फिर असं उसे थोड़ा कल्चर प्रोग्राम भी बनावे तो मक्की रोटी साग भी खिलावे तो असं उन्होंने मैं तो कटका साहब जाके अभी भी 10 दिन पहले जो बड़ी कंटीन असं उन्होंने डिस्कस करके आए हैं तो अगे असी बिल्कुल फ्री मैंबर लैके जाते थे साढ़े सज्जन बैठ रहे मैंबर रजीत सिंह जी ननकाना बस आए थे बड़े सारे दयालू ने बस इन्होंने होएगी अभी उन्हें बस जिमें पानी पाई है ना फसल में तेल ही पाना थोड़ा जहा तो इस करके असी जो उस लंच का प्रोग्राम बनाया उन्होंने दो दिन वेरी सिंपल वो असं थोड़े अच्छी जरूर चार्ज करा 200 रुपये पर है। तो मेरी बेनती है कि ताकि जो असं उत्थे उन्होंने ऑर्डर दिता है मिनीम 50 बंदा लंच पाने वास्ते उन्हें भी बंदे जरूर होने चाहिए ने ताकि सू ये ना हो जिमें कि अभी पिछले फंक्शन पल्यों बन गया पल्यों बन गया। तो मैं वकील डॉक्टर साहब का मैडम सीविया का जिन्हें भी बाहरों मैंबर आए साडे उन्हों का जे दूजे सज्जन भी जेडे इतने साडे बैठे ने उन्हों का भी मैं सतवाल के वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि उन्होंने और मैं मैंबर का मेरा ख्याल है जे मैं ए भी सी वे साहब की शायद मैं उन्होंने सिफत करता इन्होंने लैक्चर से इन्ना कट हो कि कहीं हो मैं एक बार फिर धन्यवाद करता